ग्रेस, हमारे दोनों बच्चे अब एक जैसे हो, दिया और शाफिन दोनों को एचआईवी। दोनों हमारे हाथ से निकल जाए, हमारे हाथ खाली रह जाए, हमारे हाथ खाली रह जाए, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे तब्रेस? ये छोटे आंसू बहा के आप खुदा से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि आपकी नियत में खोट है। वो ये भी जानता है कि आप एक मक्कार और धोखेबाज औरत हैं। बंद करें अपनी ये झूठी इबादत और मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। आवारा और बच्चलन बेटे के ऐबों पे पर्दा डालते वक्त आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? मेरे भाई की मासूमियत का, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया आपने, इतना बड़ा धोखा दिया आपने उन्हें, बल्कि उनको किया, सबसे बड़ा धोखा तो आपने मुझे दिया है माँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया आपको? तो कैसी बातें कर रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, क्या समझती हैं आप? अपनी दौलत और अपनी मोहब्बत दिखा के मुझे चुप करवा देंगी? नहीं, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। मैं आपका जुल्म बर्दाश्त करके चुपचाप रोती नहीं रहूंगी, बल्कि चीख चीख के सबको बताऊंगी कि कितना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। धोखा धोखा धोखा, रट लगा रखी तुमने धोखे की। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? नहीं जानती थी आप क्या आपके बेटे को एड्स है? क्यों क्यों मेरी शादी आपने उससे करवाई? क्या ये धोखा नहीं है? मेरे बेटे को एड्स है ये बात मुझे अब पता चली है। झूठ बोल रही हैं आप। बदतमीजी मत करो मेरे साथ बिया। बदतमीजी नहीं है, नफरत हो रही है मुझे आपसे। नफरत? नफरत तो मुझे तुमसे होनी चाहिए, और ये जो चीख चीख कर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ये सारे इल्जाम तो मुझे तुम पर लगाने चाहिए। मुजरिम आप और आपका बेटा है, मैं नहीं। मुजरिम तुम हो, क्योंकि जब डॉक्टर ताहिरा तुम्हारा एचआईवी का टेस्ट कर रही थी तो उसी रोज शाफे का भी उन्होंने टेस्ट किया था, और उनका ख्याल है कि शाफे को एड्स तुम्हारी वजह से भी हो सकती है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।